कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परस्पर उपग्रह जीवाना पढ़ा होगा ना, क्या शब्द है परस्पर उपग्रह जीवानम का मीनिंग पता है क्या? लिव फॉर ईच अदर, लिव फॉर, ये उसका मीनिंग है। और कोई किरोको नहीं, कमाल हो गई यार, कैसी तुमने पूरी भगवान महावीर की फिलॉसफी को शीर्षासन करा दिया। और जब मैं ये बोलता हूं ना तो वो बैठे इधर, वो कहते तुम महाराज साहब सगन थे, शीर्षासन करा दो। अब मैं शीर्षासन कराता हूं कि तुमने शीर्षासन किया, मैं तो तुमको शीर्षासन से पांव पर ला रहा हूं। सच बताओ, यदि तुम मेरे नहीं होते और मैं तुम्हारा नहीं होता तो इतना चल करके यहां पर आता क्या? अरे चंड कौशिक भगवान महावीर का कुछ लगता था, इसलिए तो भगवान महावीर चंड कौशिक के पास पहुंचे। वो कपिल अपना रिश्ता निभाता है कि पिछले जन्म का रिश्ता कि 500 के साथ मेरी कमिटमेंट है, जो मुझे मिला है उनको देना है, उसमें से अध्याय का जन्म हुआ है। और कपिल जब वो जंगल से जाता है उसके लिए जाता है, उनको मिलने के लिए जाता है, वो डाकू पकड़ते हैं, बोलते दे तेरे पास क्या है, बोले मेरे पास कुछ नहीं, ले जाते हैं सरदार के पास। सरदार उनको देखता है, जन्म जन्म के रिश्ते परिचय के मोहताज नहीं होते। और सरदार को भी उसको देख करके लगता है ये मेरा कुछ तो भी है, समझ में नहीं आता उसका मेरा क्या है। और सरदार कहता तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू योगी दिखता है, तू संत दिखता है, तू मुझे गीत तो सुना सकता है ना, एक भजन सुना दे। अच्छा हुआ कपिल प्रवीण ऋषि नहीं था, वो कपिल तीर्थ शिष्य और वजन दर्शन आई था। अब मुझे पकड़ता नहीं, कहता गीत सुना तो मुश्किल हो जाती, अब मुझे कहता बखान सुना दे तो, और बखान सुनाने के लिए कोई नहीं कहता है, क्या सुनाने के लिए कहते हैं, मारा गीत सुना दो। मैं राइट और रॉन्ग? राइट, देखो तुम्हारे यार, मैं सुना रहा हूं थे कि गीत सुनना थे। लेकिन मैं जब बोलता हूं ना तो गीत जैसा ही बोलता हूं। और कपिल ने गीत गाना शुरू किया, कपिल ने गीत गाना शुरू किया और एक एक गीत की एक एक पंक्ति पर चोर साधु बन गए, साधु केवली हो गए एक गीत में। क्यों? कि वे केवल शब्द नहीं थे, उन शब्दों में एक रिश्ते का संगीत था। जिन शब्दों में रिश्तों का संगीत होता है वे शब्द शब्द नहीं रहते, वे वरदान बन जाते हैं। जो केवल शब्द ही होते हैं वे इस कान से सुने जाते हैं, इस कान से छोड़े जाते हैं, और रिश्ते से आए हुए शब्द सीधे दिल में पहुंचते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यह 33 करोड़ देवता का राज, यह जिंदगी का राज, द सीक्रेट ऑफ जिन शासन।
कि सामुदानिक की क्रिया यदि तुम पुण्य की करते हो तो तुम्हारा शेयर उसमें 1% है कि 10% है, कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट पक्का मिलना है। और यहां तो शासन में 1% देने वाले को 100% प्रॉफिट मिलता है, 1% देने वाले को 100% प्रॉफिट मिलता है। तुम्हारे कंपनियों में तो जितना तुम्हारा शेयर होगा उतना ही मिलेगा। मेरे महावीर के शासन का नियम है, इको भी नमकारो जिनवर वसहस वधमानस वा संसार सागरम तारी पारी वाय। एक नमस्कार मैंने देवन में आपको ऋषभ देव की कहानी सुनाते हुए कहा था, मरुदेवी का शेयर कितना था, नौकार मंत्र का, नौकार मंत्र आता था मरुदेवी को, नौकार से करी धर्म सुना, लेकिन परमात्मा ऋषभ देव की शेयर होल्डर बन गई। तो जो परमात्मा को मिला उसको उसी पल मिल गया, इसको संग कहते हैं। आओ व्यक्ति के रूप में मत आओ, किसके रूप में जीवो, संघ के रूप में जीवो। जो संग चलते हैं, संग रहते हैं और संग में ही मंजिल पर पहुंचते हैं उसको संग कहते हैं। जो अकेला चलता है, अकेला रहता है, वो मम्मन सेठ बनता है, वो मम्मन सेठ बनता है, वो नंदन मनिहार बनता है, उसको अगले जन्म में मेढंग बनना पड़ता है। नंदन मनिहार परमात्मा का श्रावक बना लेकिन राजगृह के श्रावक संघ का सदस्य नहीं बना है। मेरे 12 व्रत मैं अकेला निभाऊंगा, मैं मेरी सामयिक अकेला करूंगा, मुझे बाकी चीज को लेना देना नहीं। नंदन मनिहार की स्टोरी है और ज्ञाता धर्म कथा की है, बाकी कोई पाप नहीं किया उसने। सबसे पहला पाप किया संग से अलग होकर के साधना करता रहा है, और संग से अलग होकर के कोई साधना होती नहीं, साधना छूट गई, चैरिटी का काम शुरू हुआ है, और उसी चैरिटी करते करते मेंढक बना। क्या करते करते मेंढक बना, पाप करते हुए मेंढक नहीं बना है, चोरी करते हुए मेंढक नहीं बना है, दुराचार करते हुए मेंढक नहीं बना है, परमात्मा के संग से छूट करके बिछूट करके लोगों की सेवा करते करते मेंढक बना है। क्या पाप था, संग से बिछुड़ कर चलना था। जो जो संग से जुड़ करके चले वे एक भव अवतारी बन गए। वापस कह रहा मैं आपको, आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, सुरप्रिय श्रावक, शगडाल, चुल्ली पिया, महाशतक, क्या इन सबकी साधना इक्वल है? लेकिन ये सब क्या है, एक भव अवतारी है। अभी सुधर्म देवलोक में और वहां से आयुष्य पूर्ण कर करके एक भव अवतारी है। जो संग से जुड़ करके साधना करी और संग से जुड़ने के पहले जिन्होंने नरक का आयुष्य बांधा, संभल करके सुनना, दिल थाम करके सुनना। जिन्होंने मेरे प्रभु महावीर के संग के साथ जुड़ने के पहले नरक गति का आयुष्य बांधा और बाद में प्रभु महावीर के शासन के साथ जुड़े,
एक नौकार से नहीं करी, एक सामायिक नहीं करी, एक नौकार से नहीं करी, एक सामायिक नहीं करी, फिर भी एक भुआ उतारी हो गई। राजा श्रीनिक द ग्रेट नेम, सामायिक करी, प्रतिगमन किया, नौकार से करी, क्या किया? परमात्मा की संघ की प्रभावना करने में अपनी जिंदगी लगा दी। गए कहां? नरक में। लेकिन है क्या? एक भवा उतारी। ऐसे सैकड़ों जीव हैं जो नरक में है लेकिन एक भवा उतारी है। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्यन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्यन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन सिडको छत्रपति संभाजी नगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए यूट्यूब ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़े। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं, और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था। तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई, और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम 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 इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे शहर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया, और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया, और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है, और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा, क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिने। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands
with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garbh Sadhana. Behtar Hum, बेहतर दुनिया, आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है, जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास दो ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल, आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794, वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।